ये प्रकरण उतरा है केवल प्रवाहियों के लिए, सुंदर सास से इस प्रकरण का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि क्या संबोधन किया गया है संसार के सभी मत पंथों के लिए, विशेषकर हिंदू समाज के। कहा गया कि कोट करो नरमेद अश्वमेध अनंत अनेक तीर्थ धरा विषय, तुम अनेक तीर्थों में स्नान कर लो, करोड़ों अश्वमेध कर लो, नरमेध यज्ञ कर लो। अश्वमेध का अर्थ क्या होता है? पौराणिक मान्यता में माना जाता है कि घोड़ा घाट का हवन करना, ऐसा नहीं है। राष्ट्र ही अश्वमेध है, राजा के द्वारा सुव्यवस्थित धर्मानुकूल सत्य के निष्पक्ष न्याय पूर्वक प्रजा पालन करना, न्याय शासन व्यवस्था करना, ये अश्वमेध यज्ञ। नरमेध यज्ञ क्या है कि जब मनुष्य मर जाता है तो उसका दाह संस्कार विधिवत करना, वो नरमेध यज्ञ कहलाता है। ये नहीं कि मरे हुए व्यक्ति का की हत्या करके उसको चढ़ा देना, ये पामार्गियों ने नरमेध का उल्टा विकृत अर्थ किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि तीर्थों में वास करना, अनेक तरह के कविताओं वाले ग्रंथों की रचना करना, नरमेध करना, अश्वमेध यज्ञ करना, और जो भी पुण्य के कार्य हैं उसमें कहा गया है कि यदि तुम सारे जीवन करो, करोड़ों बार करते रहो, किंतु एक बार भी पर तोले न आवेक ने मुख श्री कृष्ण का, इसका आशय क्या है, एक बार भी श्री कृष्ण का नाम ले लेते हो तो इसके समान ये सारे निर्थक है। क्यों ऐसा क्यों कहा गया है? इस संबंध में हमारे समाज में एक श्लोक का उच्चारण किया जाता है कि एको कृष्णस्य कृतः प्रणाम दश अश्वमेध अवभृति न तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रामी न पुनर्भव। कोई भी इसका प्रसंग नहीं देखता कि यह कहाँ का प्रसंग है। यह शांति पर्व का प्रसंग है और भीष्म स्तवराज, इस अध्याय का नाम है भीष्म के द्वारा योगेश्वर श्री कृष्ण की गई प्रार्थना। इस अध्याय में पहले ही कहा गया है कि भीष्म पितामह अपना देह त्याग करने वाले हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण ध्यान में बैठे होते हैं, जो गीता प्रेस से महाभारत प्रकाशित हुआ है उसमें ध्यान अवस्थित योगेश्वर श्री कृष्ण का चित्र भी दिया गया है। और भीष्म पितामह के पास योगेश्वर श्री कृष्ण पांडवों के साथ पहुंचते हैं महाभारत के युद्ध के में, जहां बाणों की सरसैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए होते हैं। भीष्म पितामह जो चिंतन कर रहे हैं योगेश्वर श्री कृष्ण को पता चल जाता है और वो पांडवों के साथ कहते हैं कि अब अंतिम समय आ रहा है भीष्म पितामह का, इसलिए अब सभी मिलकर के वहां चलते हैं। जब योगेश्वर श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं तो भीष्म पितामह सारी स्तुति करते हैं और उनको नारायण के अवतार स्वरूप बताते हैं कि आपने संसार के कल्याण के लिए यही अवतार लिया, आपने ये किया। यह सारा अध्याय पढ़ने पर पता चलता है कि विष्णु स्वरूप योगेश्वर श्री कृष्ण की ये स्तुति है जो भीष्म पितामह के द्वारा की गई है। अब हम सोचें कि इसको हम राजी पर कैसे अक्षरातीत प्रकटित कर सकते हैं। वो ऊपर नीचे के सारे श्लोक देखिए, उसमें केवल विष्णु रूप श्री कृष्ण की प्रार्थना की गई, न कि अक्षरातीत की प्रार्थना की गई है। हर जो नेपाल में संस्थान धरान में हुआ था उसमें विपक्षियों ने प्रश्न किया कि आप जो अक्षरातीत श्री कृष्ण मानते हैं तो इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण क्या है, तो संस्थार्थ में श्लोक बोल दिया गया। और आप जानते हैं संस्थार्थ में विद्वानों का लक्ष्य होता है जीतना, इसलिए कोई भी तर्क कोई भी कुतर्क लगा देते हैं। जैसे एक बार एक मौलवी से आर्य समाज के विद्वान का संस्थार्थ हो रहा था, मौलवी ने झूठी एक किताब उठाकर कहा कि देखिए कुरान में लिखा है, उस आर्य समाज विद्वान ने भी एक किताब उठाकर कहा कि देखिए वेद में लिखा है, अब दोनों झूठ बोल रहे थे, न तो किसी के हाथ में वेद था न किसी के हाथ में कुरान था। उसी तरह से उस समय संस्थार्थ जितना था तो ये एक वो कृष्ण वाला श्लोक बोल दिया गया, हमारे समाज में शिक्षा नहीं रही है, इसलिए उस श्लोक का प्रचलन हो गया और बार बार इसको घटाया जाता है कि देखिए इसमें अक्षरातीत श्री कृष्ण की प्रार्थना की गई है, ऐसा नहीं है। पर नावे तोलने मुख श्री कृष्ण कांत, आगे के श्लोक आगे की चौपाइयों में कहा गया है कि चौदह भवंते जीतियो धन धन के कुल, ऐसे क्या जो एको कृष्णस्य का जो भाव है वो मैंने आपको बता दिया, वो योगेश्वर श्री कृष्ण के लिए। इसमें जो बात कही गई है इसमें योगेश्वर श्री कृष्ण की बात नहीं की गई है, इसमें योग माया में जो श्री कृष्ण जी का स्वरूप अखंड ब्रज राज बिहारी के रूप में दर्शाया गया है कि जो चौदह भवंते जीतियो धन धन एकुल, जो चौदह लोगों से परे
अखंड ब्रज की, अखंड राज की, या बेहद में अखंड होना चाहता है, वो अखंड ब्रज बिहारी का ज्ञान ग्रहण कर लेता है, तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में अखंड राज बिहारी का ज्ञान ग्रहण कर लेता है, तो चौदह लोगों से परे अखंड योग माया के सुख में विहार करता है। और जो सबको मालूम है कि परम धाम में तो एक अक्षर अतीत है, हम यहाँ की भाषा में, यहाँ के शब्दों में हम कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। आगे तो नूर तजला तहां जुबां बोल है। एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि शब्दातीत के पार थे, तीन पार का था तेज रे, तीन सौ था तेरा संबंध पर तेरा ख्या न कछु है। शब्दातीत के पार के पार, शब्दातीत तो बेहद मंडल है, बेहद के परे अक्षर है, अक्षर के परे अक्षर अतीत है। जब बेहद को शब्द न पहुंची तो क्यों न पहुंचे दरबार, लुका न पहुंचे रसलो पार के भी पार। जब इस दुनिया का कोई भी शब्द बेहद में नहीं जा सकता तो परम धाम में कहां से जा सकता है। इसलिए इस दुनिया का कोई भी शब्द, चाहे मीराज हो, देवचंद जी हो, या कृष्ण जी हो, कोई भी शब्द वहां नहीं जाएगा। भावात्मक अभिव्यक्ति के लिए जब अक्षरातीत की शक्ति संसार में आई तो उसने ब्रज में कृष्ण का तन धारण किया, कृष्ण नाम से उनको पुकारा गया। इसलिए मथुराधीश में का को भी कृष्ण कहते हैं, और जो द्वारकाधीश हैं जिसमें अक्षरातीत का भी आवेश नहीं, उनको भी कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण नाम ही अक्षरातीत होता तो द्वारकाधीश को भी अक्षरातीत मानना चाहिए, मथुराधीश को भी अक्षरातीत मानना चाहिए। लेकिन शब्द से कोई लेना देना नहीं, कोई अपना नाम राज रख ले तो अक्षरातीत तो नहीं हो जाता, कोई अपना नाम प्राण रख ले तो अक्षरातीत नहीं हो सकता। जब तक उस तन में अक्षरातीत का आवेश नहीं आएगा उसको अक्षरातीत का स्वरूप नहीं माना जा सकता। शब्दों को एक संबोधन का माध्यम बनाया जाता है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विकृति है कि व्याकरण के आधार पर या कहां कहां से पुराणों के श्लोक ढूंढ करके बस कह दिया जाता है कि केवल कृष्ण ही अक्षरातीत है और प्राणराज जी संत है, महापुरुष है, कवि है। ये भ्रांति है। कृष्ण के तन में अक्षरातीत ने 11 वर्ष 52 दिन तक लीला की थी, और उसके पश्चात रास में उसी आवेश शक्ति ने महाराज की लीला की। जब तक लीला होती रही, जब तक उस तन में अक्षरातीत का आवेश था, तब तक वह तन अक्षरातीत का स्वरूप रहा। अब उस तन में अक्षरातीत का आवेश नहीं है तो वह अक्षरातीत मूल तन में चला गया। हम राज शब्द से संबंधित इसलिए करते हैं कि राज का अर्थ होता है प्रकाशमान, जो अपने अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, अनंत आनंद से शोभायमान हो रहा है उसको राज कहते हैं, उनसे परे कोई नहीं। ये भावात्मक अभिव्यक्ति है। अक्षरातीत से परे न कोई श्रेष्ठ, न कोई था, न है, न होगा, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, प्रेम का क्षेत्र हो, एकत्व का क्षेत्र हो, आनंद का क्षेत्र हो, इसलिए हम उनको राज कहते हैं। और उन्हीं को प्राणनाथ कहते हैं क्योंकि हमारे जीवन के आधार है। ये भावात्मक अभिव्यक्ति है। और अक्षरातीत के लिए भाषा का कोई बंधन नहीं, हृदय की पुकार ही उनके लिए सर्वोपरि है। कोई मुस्लिम यदि अपने भावों से अक्षरातीत को पुकारता है तो क्या उनको सुनाई नहीं पड़ेगा? कोई अंग्रेजी में पुकारता है लाड कर तो क्या उनको सुनाई नहीं पड़ेगा? यदि अक्षरातीत को किसी भाषा के बंधन में बांध देंगे तो इसका मतलब कि उनके वो तो अल्प शक्ति वाले हो जाएंगे उस भाषा से। हम मनुष्य हैं, जिसने अरबी नहीं पढ़ी अरबी नहीं जानता, जो अंग्रेजी नहीं पढ़ा अंग्रेजी नहीं जानता, लेकिन राज्य तो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है। उनको हम भाषा के विवाद में न खड़ा करें, प्रेम से जो जिस भाव को लेकर पुकारता है वो राज्य उनको प्राप्त होते हैं। इसलिए ये कहना है कि केवल कृष्ण ही अक्षरातीत है और प्राणनाथ जी संत है, गलत है। इस ग्रंथन के इस प्रकरण में जो प्रवाही लोगों को समझाने के लिए प्रबोधित किया गया है कि तुम करोड़ों अश्वमेध नरमेध यज्ञ कर लो, तीर्थों में वास करो, कविता की ग्रंथ कविताओं की रचना कर लो, अच्छे अच्छे ग्रंथ बना लो, लेकिन कितना भी पुण्य के कार्य करोगे जब तक तुम रास बिहारी श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाओगे, योगेश्वर श्री कृष्ण की शरण, ये ब्रज बिहारी जो अखंड में लीला कर रहे हैं उनकी शरण में नहीं जाओगे तो क्षर जगत के कर्मकांडों से तुम्हें कोई भी उपलब्धि होने वाली नहीं। ये मूलतः ये जैसे ब्रज की गोपियों को कोई शिक्षा नहीं दी गई थी, उनको बताना नहीं पड़ा था, काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि पापी पेट का सवाल होता है, हर कोई काम छोड़ दे तो खाएगा क्या, कपड़े क्या पहनेगा, निवास कहाँ से लाएगा। इसलिए शास्त्र में विधान बनाया गया है कि तेन तक तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करें। जैसे ब्रज की गोपियां, उनको भोजन भी बनाना पड़ता था क्योंकि सास का डंडा था, भोजन नहीं बनाया तो दंड मिलेगा, भोजन तो बनाना था, किंतु हृदय में कृष्ण का प्रेम है, कृष्ण बन गए हैं ग्वाल बालों के साथ,
पूरा दिन रोते हुए बीत जा रहा है, लेकिन काम भी कर रही है। अपने रास की एक चौपाई पढ़ी, आनंदे रोता रमिए जीने थे कहिए प्रेम सने। तो आप सोचिए, आनंद में रोते हुए आनंद पूर्वक सारे काम करने, हृदय में प्रेम की अग्नि धधक रही हो फिर भी आंखों में आंसू हो मुस्कुराते रहे, ये जीवन का सार है। हर पल अपने हृदय में योगेश्वर अपने प्राणेश्वर को बसाए रखिए। आपकी इच्छा, आपकी सुरता, आपका चिंतन राज्य के लिए हो, लेकिन कामों को करते रहिए तो संसार में रहते हुए भी आप काम करते हुए भी काम किए हुए नहीं मानेंगे। ये संसार में रहने का सबसे सरल तरीका है। हमारा शरीर संसार में ही तो रह रहा है, लेकिन इसलिए वाणी में कहा गया कि ये संसार में जैसे कहते हैं ना कमल का फूल, वैसे ही कमल का फूल जल में रहता है लेकिन जल से प्रभावित नहीं होता। वैसे ही हम यदि राज्य के प्रेम में डूबे रहेंगे तो पिंड प्रमाण से परे हमारी सुरता घूमती रहेगी। अक्षरधाम में देखिए, परम धाम में सर्वरस सागर से लेकर दधि सागर तक और नीर सागर से लेकर रस सागर तक चारों दिशाओं का दिशा तो वहां अनंत है। इस माया की दुनिया में हम बंटवारा कर देते हैं कि ये सर्वरस सागर है, ये नीर सागर है, अन्यथा परम धाम तो अनंत है। अभी चर्चने में का आजकल बहुत जोर शोर से प्रचार चल रहा है वहां, यहाँ के एक हाथ में जो चर्चने में आपको बताया जाता है कि एक एक मंदिर में इतने हाथ होते हैं, तो एक हाथ में इस संसार के अरबों खरबों को समा जाएगा। तो जितने अनंत की हम कल्पना कर सकते हैं परम धाम उससे भी अनंत है। राज्य श्यामा जी सखियां अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी ये पांचों अद्वैत एक ठोर, ये बीतक में अष्टभार के मंगलाचरण में कहा गया है कि राज्य को श्यामा जी से, श्यामा जी को सखियों से, सखियों से और अक्षर ब्रह्म को और महालक्ष्मी को कभी अलग नहीं समझना चाहिए। परिक्रमा में एक बात कही गई है महामती जी के द्वारा, स्वयं संसार पैदा करते हुए हमारे लिए ये समाधान खोजा गया है कि लक्ष्मी जी का एक बात का बस बसा रहता था मेरे दिल, लक्ष्मी जी का गुजरान होते है विद के। तो इसका उत्तर यही बताया गया है कि राज्य के ज्ञान से मेरा ये संशय मिट गया कि जो वहदत की लीला है, श्यामा जी को जो सुख मिलता है, सखियों को जो सुख मिलता है, वही सुख महालक्ष्मी को भी मिलता है। क्योंकि हमारी संसारिक दृष्टि है, हम लोग संसार में रहते हुए ये सोच लेते हैं कि जैसे राज्य और अक्षर ब्रह्म में भाई भाई जैसा संबंध है, तो एक भाई की पत्नी क्या करेगी, अक्षर ब्रह्म तो प्रेम की लीला करते नहीं, और एक भाई दूसरे भाई की पत्नी की तरह से बात नहीं कर सकता, उसी मर्यादा में हम सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि श्यामा जी में और महालक्ष्मी में कोई अंतर ही नहीं है, और ये संसारिक रिश्ते वहां के नहीं है, ये भाई भाई वाला और पति पत्नी वाला रिश्ता है। ये शब्द जहां तक है वो परम धाम नहीं है, तो माया की दुनिया में होता है। आप सोचिए एक ही राज्य का दिल श्यामा जी और सखियों के रूप में लीला कर रहा है, तो दिल ही तो सब कुछ है, सखियों के रूप में राज्य है, श्यामा जी के रूप में राज्य है, पशु पक्षियों के रूप में राज्य है, खूब खुशहालियों के रूप में राज्य है, राज्य के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, और राज्य ही अक्षर ब्रह्म के रूप में है, और आनंद का स्वरूप केवल शोभा के लिए उनके साथ महालक्ष्मी है। स्वरूप एक लीला दो, जब एक ही स्वरूप है दो तरह की लीला हो रही है, तो हम परायपन का भाव क्यों ले लेते हैं कि अक्षर ब्रह्म है और महालक्ष्मी कुछ अलग है। तो जो सुख श्यामा जी को मिलता है वही सुख महालक्ष्मी को भी मिलता है। ये संसार परम धाम इस संसार के लीला की नहीं है। यहाँ एक से बात करेंगे तो दूसरे को बुरा लगेगा कि इनसे तो प्रेम से बात कर रहे हैं, हमसे हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। परम धाम में राज्य एक ब्रह्मात्मा से बात करेंगे तो पशु पक्षियों सहित वहां की दीवार मुस्कराएगी, धरती मुस्कराएगी, आकाश मुस्कराएगा, पशु पक्षी सब में वही आनंद है, क्योंकि दिल ही सबका एक है।
राज्य के दिल के अतिरिक्त और परम धाम में कुछ नहीं, जहाँ पूर्ण ब्रह्म बिना और नहीं कोई। तो आप समझ लीजिए कि परम धाम में अक्षर को भी राज्य का स्वरूप मानिए, महालक्ष्मी को भी राज्य का स्वरूप मानिए, खूब खुशानियों को भी राज्य का स्वरूप मानिए, बंदरों को, दीवालों को, थंबों को भी राज्य का स्वरूप मानिए। जब इस दृश्य देखेंगे तो ये भेद समझ में आएगा। हम जब तक सांसारिक दृश्य देखेंगे कि लक्ष्मी जी अक्षर ब्रह्म की पत्नी है, तो फिर कैसे उनका गुजारा होगा, तो ये बात समझ में नहीं है। जैसे भी आप बैठ सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपका मेरुदंड सीधा रहे और हाथ पैर हिले डुले नहीं। जिस तरह से बैठ सकते हैं आप बैठिए, आप स्वतंत्र हैं। मेरुदंड को आप सीधा रखिए, कुर्सी पर बैठिए, सोफे पर बैठिए, मेरुदंड सीधा रहे। जरा सा झुकेगा तो आपको दर्द भी होगा और निद्रा भी आ जाएगा, इसलिए सीधा रहना बहुत आवश्यक है। आप कोई भी आसन अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। चितवनी के लिए प्रेम की अधिक आवश्यकता है, ज्ञान की कम हो सकता है। दो तरह का मस्तिष्क कार्य करता है, एक तो गणित वाला मस्तिष्क, जिनकी रुचि गणित में है उनको चर्चनी में स्वाभाविक रुचि होगी, और जिनका मस्तिष्क चिंतन परक है, फिलॉसफी वाला मस्तिष्क है, दार्शनिक तथ्य में जो गुजरे रहते हैं, उनको गणित में कोई रुचि नहीं होती, इसलिए उनको चर्चनी की गणना से बहुत ऊब लगती है, और जिनको गणित प्रिय है उनको चर्चनी की गणना में बहुत आनंद आता है। इसलिए अपना अपना विचार है। लेकिन जब चितवनी में आप डूबते हैं तो चिंतन भी हटाना होता है और गणित वाला मस्तिष्क भी हटाना होता है। चितवनी में तो केवल प्रेम चलेगा। हाँ, चितवनी करने के लिए प्रारंभिक ज्ञान तो अनिवार्य है कि मूल मिलावे की शोभा कैसी है, काल माया से परे युग माया कैसी है, योग माया से परे हम जब जाएंगे सरोवर सागर से होते हुए कैसे यमुना जी तक पहुंचेंगे, चांदनी चौक में जाएंगे और शोषणीय चर का मूल मिला में जाएंगे, ये सामान्य ज्ञान तो सबके लिए अनिवार्य है। हम इधर उधर जितना अपना मस्तिष्क लगाते हैं दूसरे के बारे में नकारात्मक चिंतन में, उससे हटकर किसी भी तरह से सुंदर साथ चर्चनी में भी डूबा रहे, सबको प्रेम में डूबाया नहीं जा सकता और डूबना पड़ेगा देर सवेर। लेकिन उससे पहले यदि ज्ञान की अवस्था है तो अच्छी ही है। किसी तरह से परमधाम के 25 पक्षों में जो भी प्राणी विचरण कर लेगा, कोरा से कोरा जीव हो, तो समझ लीजिए कि शरीर छूटते समय उसके चित्त में संस्कार तो परमधाम के ही रहेंगे, हौज कौशर मानिकपाल पुखराज, तो निश्चित है कि उसका जीव अखंड योग माया का अधिकारी बने। और जो शोभा में डूबता जाए तो प्रेम की लहर आएगी, तो हो सकता है परमहंस अवस्था भी प्राप्त कर ले। इसलिए ज्ञान से संबंधित कोई भी कार्य हो बुरा नहीं है। हाँ, ये है कि ज्ञान में अहंकार नहीं होना चाहिए, हमें सत्य की जिज्ञासा रखनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान एक समुद्र है, उस समुद्र का कोई ओर छोर नहीं। हमारे पास जितना ज्ञान आ जाए, हम विनम्रता धारण कर रहे हैं कि ये जो ज्ञान है वो राज्य का दिया हुआ है, मेरा अपना कुछ नहीं, क्योंकि चर्चनी के कई महान विद्वानों से मेरा पाला पड़ा है, उनका कहना था कि पूरे समाज में मेरे जैसा चर्चनी जानने वाला कोई नहीं, वो बार बार मुझे सुनाया करते थे। तो हंसी आती है कि भाई ऐसा दवा कभी किसी को नहीं लेना चाहिए, कभी ज्ञान के क्षेत्र में या भक्ति के क्षेत्र में दवा नहीं करना चाहिए कि मेरे जैसा कोई नहीं, हमेशा स्वयं को चरण धूलि बनकर रहना चाहिए, क्योंकि हम जितने विनम्र बनेंगे ज्ञान के क्षेत्र में भक्ति के क्षेत्र में उतने ही उन्नति के मार्ग पर चलेंगे, और जहाँ अहंकार ले लेंगे कि मेरे जैसा कोई नहीं, वहाँ पतन की खाई हो जाती है। चर्चनी के चार विद्वान इकट्ठे होते हैं तो विवाद खड़ा करने लगते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, तुम गलत कह रहे हो, मैंने इतना पढ़ा है। लेकिन जब प्रेम में डूबते हैं तो प्रेम में कौन बोलेगा, क्योंकि सब गूंगे हो जाते हैं, गूंगे को बोलने की शक्ति नहीं, वहाँ ज्ञान पढ़कर बोलने वाले सारे हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान को हम प्रेम के रस में डूबा लें, शुष्क ज्ञान नहीं होना चाहिए। चर्चनी का जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, भाव विह्वल होकर के परम धाम की शोभा को ग्रहण करें, और चर्चनी में जो गणित संबंधी बातें गणनाएं आती हैं, जैसे मान लीजिए कि युगलदास जी की बड़ी वृत्त में जो दिया गया है तो वो साक्षात देख करके बोल रहे हैं, उन्होंने बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं किया। जैसे कमेंट्री
करने वाला सीधे आंखों देखा हाल खेल का वर्णन करता है, वैसे वो सीधे परम धाम को अंतर चक्षुओं से देखकर बोलते जा रहे हैं। वो पहले उनका चित्त जो है, उनका जो जन्मजात संस्कार था, जिस वंश में उनका पंचभौतिक तन पैदा हुआ था, उसमें ये जो पटवारी जैसे संबंधित जो व्यवसाय होते हैं, जिसमें लोग खेत जमीन की माप करते हैं, उनका लौकिक जन्म उसी में था। तो संस्कार बना हुआ था कि इतना लंबा इतना चौड़ा, तो जो चित्त में संस्कार था वो जन्म की प्रवृत्ति थी। इसलिए परम धाम का वर्णन करते समय भी उसकी छाप पड़ गई है कि हर चीज को गणना के माध्यम से उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है, लेकिन उसमें भी एक प्रेम का रस घुला हुआ है। जब आप युगलदास जी की वृत्त पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये देख करके वर्णन किया हुआ है, पढ़ करके नहीं। और उस प्रारंभ में उन्होंने लिख दिया भी है कि जो राजी ने अपनी कृपा दृष्टि मेरे से कहलवाया है, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ पढ़ करके मैं नहीं बोल रहा। तो सुंदर सा से आग्रह है कि चर्चनी में अवश्य डूबे, लेकिन अपने हृदय में प्रेम का भाव लेकर के डूबे, ज्ञान का अभिमान लेकर नहीं, या दूसरों को छोटा समझने की भूल कभी भी ना करे कि मेरे जैसा इसको नहीं आता। तो ये जो ज्ञान का अहंकार है, ज्ञान के ऊपर ताक लगा। आप उनको बोलिए कि यदि आप हिंदू हैं तो आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में क्यों भेजते हैं, अंग्रेजी क्यों सिखाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी तो हमारी भाषा नहीं। क्या कॉन्वेंट स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने से हमारे बच्चे क्रिश्चियन हो जाते हैं? जब क्रिश्चियन नहीं होते तो अरबी उर्दू के शब्दों से मुसलमान कैसे हो सकते हैं? जब ये वाणी 300 वर्ष पहले अवतरित हुई है, उस समय औरंगजेब का राज था, हिंदी भाषा तो आप पढ़ नहीं सकते थे, संस्कृत भाषा पर भी रोक लगा थी। आपको नहीं मालूम है कि बख्तियार खिलजी ने ये 3 विश्वविद्यालय, नालंदा, तक विक्रमशिला, उदंतगिरी, 3 विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था। उस मुगल काल में यह आशा करना कि आजकल की तरह विद्यालय हों और सबको संस्कृत हिंदी पढ़ाई जाए संभव नहीं था। छिप छिप कर के ही कोई पढ़ सकता था। जब औरंगजेब की सेना ने काशी पर आक्रमण किया तो जितने ग्रंथ थे मिले सब जला दिए गए, सारे मंदिर तोड़ दिए गए। और उस समय ही ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनवाई थी औरंगजेब ने, उस जमाने में शुद्ध हिंदी की आप मान्यता नहीं कर सकते। इसलिए जो बोलचाल की भाषा थी वो सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान, उसमें संस्कृत के भी शब्द हैं, उर्दू के भी, अरबी के भी, फारसी के भी, हिंदी, गुजराती, सिंधी, जितने पूरे देश की जो भी भाषा है वो सरल भाषा में सुंदर सात की जागृति के लिए किया गया। सनद में एक चौपाई आती है, खेल में मेहंदी तोतला, जुबा का जाए ठोर। तोतला का तात्पर्य क्या है? साहित्यिक भाषा नहीं होती। यदि संस्कृत निष्ठ साहित्यिक हिंदी डाल दी जाती तो आज से 100 साल पहले भी तो इतनी शिक्षा नहीं थी, सुंदर सात की आत्मा कैसे जागृत हो पाती। कई सुंदर सात ब्राह्मणी ऐसे भी हुए जिन्होंने 6ठी क्लास भी नहीं पढ़ी थी, तो आप सोचिए उन आत्माओं को कैसे जगाया जाएगा। इसलिए विद्वानों की भाषा न होकर वाणी में जो बोल चाल की भाषा थी उसमें परमधाम का सारा ज्ञान कहा गया। तो शब्दों से आपत्ति नहीं करनी चाहिए। यदि हम लोटा लेकर नमाज पढ़े, हज जकात करें, हज करें, तब तो कोई कहे कि हाँ इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया है। तो इसी इतनी भाषाई कट्टरता में नहीं जाना चाहिए। हमें ब्रह्मवाणी जिस रूप में मिली है उसको ग्रहण करें, और अर्थ तो साहित्यिक हिंदी में लिखा गया है। तो आप किसी शब्द से घृणा करेंगे तो लक्ष्य तो प्राप्त नहीं होगा। हर संप्रदाय में कुछ अच्छे बुरे लोग होते हैं। अरब की धरती पर अत्याचार बहुत हुआ है, खून खराब हुआ है, किंतु अरबी भाषा ने क्या बिगाड़ा है? हम उसकी भाषा को के शब्द जो वाणी में है हमें उस ज्ञान से मतलब है, भाषा से घृणा करने से कोई लाभ नहीं। चौपाई जो उतरी है देवचंद जी के तन से, एक चौपाई उतरी, निज नाम से कृषि अनादि अक्षरातीत सोतो अवजहर में सब। राजी ने दर्शन दिया श्याम जी के मंदिर में अपने आवेश स्वरूप से, और जब देवचंद जी घर आते हैं, चाकलम मंदिर आते हैं, तब उनके मुख से एक चौपाई ये कही गई। ये चौपाई क्या है? इसको मंत्र माना गया परंपरा के अनुसार कि इसी चौपाई ये उतरी तो यही कहकर के सबको दीक्षा दी जाती थी, यानी तारतम्य ज्ञान दिया जाता था। दीक्षा किसको कहते हैं? व्रतेन दीक्षाम आपनो, व्रत से दीक्षा को ग्रहण करता है। हम व्रत लेते हैं कि हम एक अक्षरातीत को मानेंगे,
एक अक्षरातीत से प्रेम करेंगे, निराकार के पार हमारा प्रीतम है। इन बातों की प्रतीक्षा करते हैं, यही तो दीक्षा है, यही तो तारतम लेना है। इसलिए अब जैसे एक वैदिक मान्यता को मानने वाला गायत्री मंत्र लेता है, या पौराणिक मान्यता को मानने वाला कोई मंत्र लेता है, तो उस मंत्र में क्या होता है? जैसे गायत्री मंत्र को देखिए, गायत्री मंत्र में केवल परमात्मा की स्तुति की गई। भूर्भुवस्व का अर्थ होता है सच्चिदानंद, तत् का अर्थ होता है उस, सवति का अर्थ होता है सृष्टि को उत्पन्न करने वाले सूर्याद प्रकाशकों का भी प्रकाश, वरेण्यम का अर्थ होता है वर्ण करने योग्य, ध्यान करने योग्य, जो परमात्मा का भर्गा जो तेजोमय स्वरूप है जिसको हम नूर कहते हैं, उसको हम धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित करें, यह मंत्र का अर्थ होता है। और इस मंत्र को जब दीक्षा मंत्र बना दिया गया तो ये कह दिया गया कि शूद्र के कान में यदि इसका एक अक्षर भी पड़ता है गायत्री मंत्र का, तो शीशा पिघला कर डाल दो। स्त्री यदि गायत्री मंत्र को बोलती है तो उसकी जीवा काट लो। ये पौराणिक लोगों ने, कट्टरपंथियों ने ये ग्रंथों में लिख दिया। स्त्री शूद्र और स्त्री को गायत्री मंत्र भी सुनाते नहीं थे, कान में फूंक देते थे, अंध परंपरा चली गई। उसकी झलक हमारे समाज में भी आ गई कि हमारे समाज में भी कान में फूंक मार करके कह दिया जाता है कि तुम्हें तारतम्य है। तो वास्तव में जो दीक्षा का आशय क्या है, आप किसी भी योगी के पास जाते थे प्राचीन काल में, हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है, मुंडक उपनिषद में कहा गया है तत्व विज्ञानार्थ सगुरु में अभिगच्छेत समित पाणि श्रुतियम ब्रह्मनिष्ठम। यदि किसी को ब्रह्म ज्ञान जानने की जिज्ञासा है तो दोनों हाथ जोड़कर किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास जाए और श्रद्धा पूर्वक ब्रह्म ज्ञान का उपदेश प्राप्त करे। वो व्यक्ति बताता था कि परमात्मा कैसा है, कहाँ है, तुम्हें ध्यान का कौन मार्ग ग्रहण करना। आपने अभी तक में पढ़ा होगा कि किस तरह से हरदास जी के पास देवचंद जी जाते हैं और देवचंद जी को उस समय की परंपरा के अनुसार हरदास जी सिर मुड़वाते हैं, फिर दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। लेकिन देवचंद जी के बारे में कहीं अभी तक नहीं आता कि देवचंद जी ने किसी सुंदर साथ को सिर मुड़वाया हो, कान में फूंक मारी हो, तो ये सारी बातें नहीं होती। तो कहने का आशय क्या है कि जो तारतम्य है वो ज्ञान का सूत्र है और उस ज्ञान के सूत्र के द्वारा परम धाम का दिग्दर्शन होता है। चौपाई उतरी है केवल समाज का मार्गदर्शन करने के लिए। यदि देवचंद जी ये कहते हर किसी से मिल करके कि देखो राज जी हमको श्याम जी के मंदिर में मिले थे, ये बातें कहें, तो समाज में एक विकृति फैलती, किसी को विश्वास होता, किसी को नहीं। इसलिए समाज को सही मार्गदर्शन देने के लिए ज्ञान स्वरूप में दीक्षा का प्रचलन है। देवचंद जी एक चौपाई कर देते थे और उस चौपाई को कह देते कि इसी को आधार मानकर जो मैं बता रहा हूँ उस मार्ग पर चलो, तुम्हें परम धाम की अनुभूति होगी। तो ये कहना है कि राज्य चौपाई थोड़े बोलेंगे, राज्य तो अपनी बातें कहेंगे। चौपाई उतरी है देवचंद जी के दिल से, इसलिए देवचंद जी और राज्य के बीच में देर तक बात हुई, लेकिन उस वार्ता को न तो कोई दूसरा सुन सका, न किसी और को राज्य ने दर्शन दिया। केवल देवचंद जी ही दिख रहे थे, देवचंद जी को ही दिखाई पड़ रहा था कि राज्य का स्वरूप सामने है और राज्य की बातें केवल देवचंद जी के कानों में पड़ रही थी। जो कथावाचक भट्ट जी थे उनको कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा, या उस सभा में जितने भी बैठे थे किसी को कुछ भी भनक नहीं लगी कि इन दोनों में, राज्य में और देवचंद जी में क्या वार्ता हो रही। इसलिए चौपाइयों के कहने का प्रसंग नहीं था। ये जो वाणी से के रूप में जो चौपाइयां उतरी हैं, ये तो सुंदर सा को मार्गदर्शन देने के लिए काव्य के रूप में चौपाइयों का उत्तर हुआ है। ज्ञान की धारा वाणी में चौपाइयों के रूप में है, लेकिन वह ज्ञान की धारा जो राज्य ने प्रत्यक्ष रूप में वार्ता की, जैसे हम और आप बात करते हैं, उसी तरह से देवचंद जी और राज्य के बीच में बात हुई है, उसकी कुछ झलक कलश हिंदुस्तानी के अंदर है और थोड़ी सी झलक भीतर के अंदर भी दी गई है। इसलिए बातचीत में चौपाई को खोजना गलत। जो राज्य की अवस्था थी वही थी, रूही भी अनियाज थी, बीच बका 12,000। न तो वो माया को जानती थी और न राज्य के दिल को अच्छी तरह से जानती थी, न इसके की मार्फत को जानती थी, न वहदत की मार्फत को जानती थी, न निस्बत की मार्फत को जानती थी। हकीकत में लीला का रसपान करती थी, मार्फत में डूबती थी, लेकिन मार्फत का भेद पता नहीं था। इसलिए माया का भेद बताने के लिए और अपने हृदय का भेद बताने के लिए मेहर का दरिया दिल में लिया, तब रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल हो जाए।
इसलिए ये खेल बनाया गया है। इसलिए राज्य के सामने जो भी ब्रह्म सृष्टियां थी वो राज्य के लीला रस में डूबी थी, डूब करके स्वयं को भूल जाती थी, स्वयं की पहचान नहीं कर पाती थी कि वास्तव में हम भी राज्य के ही अंग हैं, हमारे और राज्य में कोई भेद नहीं है। यही उनकी अवस्था थी और उस अवस्था से परे ले जाकर अपना सारा हृदय खोल देने के लिए ये मेहर का खेल दिखाया है, जिसमें आकर के हम रोते रहते हैं कि कब खेल खत्म करोगे, कब खेल करोगे। 4:30 बजे अर्जी भी करते हैं कि राज्य हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराम। जो उनकी इच्छा है वो जब इच्छा होगा करेंगे, आपको अपनी तैयारी करनी है, अपने धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को पुकारिए, उनको रिझाइए, जब तक चल रहा है चलने दीजिए। अभी समय पर गाड़ी चलती है, समय पर वृक्षों में फूल आते हैं, समय पर फल लगते हैं, समय पर सूर्य उगता है, चंद्रमा उगते हैं। इसलिए राजी ने जो अपने दिल में जो लिया है उस समय पर खेल खत्म होगा। आप खड़े होकर के डेली अर्जी करेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं है, आप अपनी आत्मा की जागृति कीजिए, इसी में सबका सुख। देखिए अभी मैं ही हूं आपके सामने, चूंकि जो भी राजी ने दो शब्द दिए हैं मैं बोल रहा हूँ, हमारे साथ एक मर्यादा है, मैं आपके साथ एक शिष्ट भाषा में बोल रहा हूँ, हंसी मजाक नहीं कर सकता, मर्यादा के बाहर नहीं जा सकता। हाँ, कक्ष में अकेले हूँ तो आप भी मेरे से हंस बोल सकते हैं, वो मैं सबके सामने मंच पर कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता, मैं ही हूँ, मेरे दो रूप हो जाते हैं, एक में हमें मर्यादा निभानी पड़ती है, एक में मेरा खुला रूप हो सकता है। उसी तरह से एक ही राज्य दो रूपों में लीला करते हैं, अक्षर ब्रह्म के रूप में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करेंगे। अब सृजन करना तो सरल है, लेकिन जो प्रलय करना कितना कष्टकारी है, कभी आपने सोचा है? एक व्यक्ति मरता है तो पूरे परिवार में मातम छा जाता है, और अनंत सृष्टि के अनंत प्राणी जब एक बारी काल के गाल में समा जाएंगे तो उसमें रूप कैसा होगा? सारी सृष्टि का प्रलय कर देना, एक बार भूकंप आता है तो आप सोचिए कितने लोग मरते हैं, और सारी सृष्टि के अनंत प्राणी काल के गाल में समा जाए, कुछ न बचे, इसके लिए तो सत्ता का रूप लेना पड़ेगा, प्रेम का हृदय। अब देखिए, एक माँ को सहन नहीं होता उसके बच्चे को खरोंचाए, बच्चे को खरोंचाती है, लगता है कि माँ का कलेजा निकल गया, तो अक्षरातीत जो अनंत प्रेम के सागर है, उस प्रेम का सागर कैसे सहन करेगा कि अनंत प्राणियों का यह संसार समाप्त हो जाए? लेकिन सृष्टि का विधान है, जो जन्मा है मरेगा, जो सृष्टि बनी है वो प्रलय को प्राप्त होगी। इसलिए सृष्टि का उद्भव करना, इसका पालन करना तो बहुत सरल है, लेकिन प्रलय करने के लिए एक सत्ता का रूप चाहिए, और इसलिए जो प्रेम की लीला है उसे राजी ने अपने को अलग कर लिया, एक अपना ही रूप सत्ता का रूप दर्शा दिया है, स्वरूप एक लीला दो। इस अक्षर ब्रह्म को प्रेम की लीला का इसलिए आभास नहीं होता, जैसे मान लीजिए कि मेरे दाएं हाथ में आग का एक अंगारा रख दिया जाए तो बाएं हाथ को पीड़ा नहीं होगी, मेरे दिल को पीड़ा होगी। ऐसा नहीं होगा कि दाहिने हाथ में घाव हो गया, बाएं हाथ में हम नस्तर चुभाएं कि इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें घाव है उसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि नहीं, दोनों हाथ तो एक जैसे ही है, वैदिक का सिद्धांत है, तो एक नस्तर जैसे दाहिने हाथ में घाव हो तो बाएं हाथ में नस्तर चुपाएंगे तो घाव जैसी पीड़ा तो बाएं हाथ में शुरू हो जाएगी। तो उसी तरह से जो आनंद का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है, वो है श्यामा जी का स्वरूप, सखियों का स्वरूप, उसमें आनंद और प्रेम की लीला हो रही है। राज्य का हृदय ही सत्ता के रूप में भी है, लेकिन सत्ता वाले रूप से प्रेम वाला रूप को अलग कर रखा है, जैसे दाएं और बाएं दोनों एक ही जैसे हाथ हैं, किंतु जो चिदगन स्वरूप राज्य है वो सत को भी जानते हैं, सत भी उन्हीं का स्वरूप है, आनंद भी उन्हीं का स्वरूप है। दाएं दोनों हाथ मेरे ही हैं, लेकिन दोनों हाथों की अलग अलग भूमिका है, एक हाथ में जो घटित होगा दूसरे हाथ को पता नहीं, हाँ मेरे दिल को पता रहेगा कि इस हाथ में ये हो रहा है, इस हाथ में हो रहा है। इसलिए प्रेम वाला स्वरूप सत्ता वाले को नहीं जानता, सत्ता वाला रूप प्रेम वाले को नहीं जानता। यही कारण है कि राज्य का ही स्वरूप होते हुए भी जो सत्ता का स्वरूप है वो प्रेम वाले चिदघन स्वरूप को नहीं जानता। यथार्थ रूप से सखियों के साथ कैसे प्रेम की लीला होती है, जिसका स्वभाव ही शिष्ट का लय करना है, वो प्रेम के उस स्वलीला अद्वैत स्वरूप को कैसे जान सकता है? आप सोचिए ब्रज की लीला में
श्री कृष्ण राधा के चरणों में लौट जाते हैं, राधा को मनाते भी हैं। तो अक्षय प्रेम तो ऐसे ही प्रेम की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही राज्य का हित है। जैसे आप सुंदर साथ में कोई बड़ा अधिकारी हो, तो कभी ऑफिस में कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए, उसके अधीनस्थ छोटे कर्मचारी उससे कितना क्रोध में लाल होता है, क्या वो क्रोधी चेहरा अपनी पत्नी के सामने दिखा सकता है या अपने बच्चों के सामने दिखा सकता है? बच्चों और पत्नी के सामने तो वहां हंसता खिलखिलाते जाएगा, लेकिन ऑफिस में बैठते ही वही अपना रूबीला चेहरा बना लेगा, क्योंकि घर वाला व्यवहार यदि ऑफिस में करेगा तो उसका कहना कोई मानेगा ही नहीं और ऑफिस की सारी मर्यादाएं टूट जाएंगी। इसलिए एक ही दिल को अलग अलग रूपों में लीला करना पड़ता है। उस सत्ता वाले स्वरूप को प्रेम और आनंद की लीला से वंचित रखा जाता है मूल स्वरूप के द्वारा, अन्यथा सारे सृष्टि का क्रियाकलाप भंग हो जाता है। ऐसा है, देखिए मोहम्मद साहब ने जो कहा उनके अनुयायियों ने उसका उल्टा किया। मोहम्मद साहब के देह त्याग के पश्चात अबू बकर, उमर, उस्मान खलीफा बने और इन्होंने, इनके नेतृत्व में बहुत अत्याचार हुआ। इन्होंने तो हजरत अली, जिनको मोहम्मद साहब ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, हजरत अली के जो बेटे थे हसन हुसैन को मारा, मुआविया ने तड़पा तड़पा के मारा था। आप सोचिए कि जो मोहम्मद साहब की जो बेटी थी फातिमा, उनके घर में आग लगा दी गई, दरवाजे से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई, दरवाजा उनके ऊपर गिर पड़ा था। तो मोहम्मद साहब की बेटी को इन्होंने नहीं छोड़ा, उनके दामाद के जो बेटे हसन हुसैन थे उनको नहीं छोड़ा, हजरत अली को मारा। तो इन कट्टरपंथी लोगों से आप नैतिकता की आशा नहीं कर सकते। किंतु अब जैसे देखा जाए तो नादिर शाह ने लगभग 1,00,000 हिंदुओं को तो दिल्ली में मरवा दिया, तैमूर लंग ने 1,00,000 से ज्यादा लोगों को मरवा दिया, औरंगजेब ने मरवाया, ये बाबर ने मरवाया, अकबर ने 28,000 से ज्यादा हिंदुओं को चित्तौड़ में मरवा दिया, इसमें स्त्री बच्चे बूढ़ों को नहीं छोड़ा, अहमद शाह अब्दाली ने खून की नदियां बहाई। तो कहने का ऐसे क्या है, हिंदू जनता में इन घटनाओं को देखकर घृणा है, घृणा क्या, रोष है कि इन्होंने मानवता के ऊपर अत्याचार किया। और जो ये बहावी विचारधारा है ये इस्लाम का नाम लेती है और इस्लाम के नाम पर अत्याचार करती है। ISIS की जो विचारधारा है ये कंटरपति, यही बहावी विचारधारा है, ये कुरान की ओट में अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। मेरे कहने का आशय ये है कि मोहम्मद साहब के बाद जो मुस्लिम जगत के खलीफा हुए सर्वोपर धर्माधिकारी, अबू बकर, उमर और उस्मान, इन्होंने जब संसार में खून खराबा किया, मोहम्मद साहब के सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी, तो वही विचारधारा आज भी चली आ रही है, तो हिंदू समाज में स्वाभाविक है कि घृणा रहेगी। किंतु कुरान का वास्तविक ऐसा नहीं है, कुरान की आयतों में ये बातें नहीं लिखी हैं, उसका अर्थ विकृत करके ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि ये बात है ये बात है। और जो मौलवी होते हैं अधिकतर कुरान की आयतों का विकृत अर्थ करते हैं कि जो तुम्हारा मत स्वीकार न करें, जो गैर मुस्लिम है वो काफिर है, वो मारो। कुरान में वास्तव में ऐसी बातें नहीं लिखी है, आयतों का तोड़ मोड़ कर उल्टा अर्थ करते हैं और अपने इच्छा पूर्ति करते हैं और एक राजनीतिक रंग दे देते हैं, सांप्रदायिक रंग दे देते हैं, कट्टरता वहाँ पैदा करते हैं। यदि वे गहराई से पढ़ेंगे, जैसे सनंद ग्रंथ को पढ़ जाए, सनंद ग्रंथ की टीका जो सरसवा से प्रकाशित हुई है उसको पढ़ें, तो पता चलेगा कि कुरान का वास्तविक आशय से ये जो कुछ और है और ये मुस्लिम जगत कुछ और है। उसमें एक प्रकरण है सनंद खंडनी जाहिरियों की, उसमें सीधा बताया गया है कि खुदा का नाम लेकर, इस्लाम का नाम लेकर या कुरान का नाम लेकर ये जाहिरी मुसलमान धर्म के विपरीत आचरण करते हैं, चाहे ये अलाउद्दीन खिलजी हो, औरंगजेब हो, अकबर हो, बाबर हो, हुमायूं हो, नादिर शाह हो, अहमद शाह अब्दाली हो, सभी ने कुरान के मूल आशय से उल्टा काम किया। तो बीतक अधूरी सुनने का परिणाम यही होता है। हाँ, जो सुनाने वाले होते हैं उनको भी थोड़ा सावधानी के साथ उस तथ्य को प्रस्तुत करना चाहिए। जब कोई नया व्यक्ति आता है तो
उसको भंका बना करके समझाना चाहिए कि कुरान में वास्तव में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अब जब घृणा हो जाती है तो अच्छी बात से भी घृणा होने लगती है। कुरान की सच्चाई जनता तक पहुंच नहीं पाती। इस्लाम का वास्तविक मार्ग तो छिपा है, इस्लाम के नाम पर अत्याचार ज्यादा हुआ है, इसलिए जनता के मन में जब तक सच्चाई का पता नहीं चलेगा घृणा तो रहेगी। सुनार जब सोने का गहना सोने की मूर्ति बना दे तो क्या सोने की मूर्ति उसके जैसे बोलने लगेगी, उसके जैसे खाने पीने लगेगी? तो ब्रह्म चेतन है, आनंदमयी है, ब्रह्म के संकल्प से यह जगत पैदा हुआ है। इसमें मिथ्यापन रहेगा, परिवर्तनशीलता रहेगी, दुखमय रहेगा और नश्वरता का दोष रहेगा, क्योंकि ब्रह्म इसके विपरीत ब्रह्म चेतन है, आनंदमय है, ज्ञानमय है। ब्रह्म के स्वरूप में विकृति नहीं होगी, किंतु यह स्वप्नमय जगत जैसा दिख रहा है वैसा हमेशा नहीं रहेगा। ये बना है तो नष्ट भी होगा। ब्रह्म कभी बना नहीं था, इसलिए उसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता। जगत बना है तो जगत अवश्य नष्ट होगा। ब्रह्म और जगत में कभी मेल हो ही नहीं सकता, इसलिए पुराण संहिता में ये बात कही गई है कि अत तत् विपरीतम ही सच्चिदानंद लक्षण। ये असत जड़ और दुख का संसार है और ब्रह्म इसके विपरीत सच्चित आनंदमय। तो जैसे कि मैंने आपको दृष्टांत दिया, उसे समझ लेना चाहिए कि हम मिट्टी का घड़ा बनाएंगे या मिट्टी की अपनी मूर्ति बनाएंगे, तो मिट्टी की मूर्ति में हमारे जैसे तो दिखेगी, लेकिन हमारे जैसी वो चेतन नहीं हो सकती, हमारे जैसे भूख प्यास का अनुभव नहीं कर सकती, हमारे जैसे आनंदमय नहीं हो सकती। ब्रह्म ने इस स्वप्नी जगत बनाया है, यथार्थ नहीं है, सब कुछ दिख रहा है। एक समय ऐसा था जब हिमालय नहीं था, सूर्य नहीं था, चंद्रमा नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, अभी दिख रहे हैं, फिर कभी ये काल से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए ये स्वप्नमय जगत को ब्रह्म से तुलना के रूप में